सबसे पहले मेरे पूरे परिवार को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे पूरे परिवार? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने जिंदगी में खुश होंगे। हर सुबह की तरह एक गिलास पानी पीकर मैंने दिन की शुरुआत की। फिर एक्सरसाइज करने के बाद, घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद, अब मैं यहाँ आई हूँ किचन। तो अब हम बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे रोटी और दाल फ्राई, ताकि हस्बैंड दाल फ्राई के साथ रोटी खाकर अपने काम में जाए और रयान स्कूल। तो अब हम जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। घर की साफ सफाई तो मैंने कर ली है, पर बाहर का कुछ साफ सफाई करना बाकी है। तो नाश्ता खाने के बाद हम बाकी का काम कर लेंगे। तो अब हम जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। मेरे परिवार, आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हो या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दाल यहाँ हमारा पकने को है और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दाल बनाए हैं, ताकि लंच में भी हम खा सके। और वैसे भी मुझे लंच में दाल बनाना ही है, तो अभी हम थोड़े ज़्यादा बना दिए हैं ताकि लंच में भी खा सके। दाल और रोटी होने के बाद सभी को नाश्ता दे देंगे। नाश्ता देने के बाद हम रयान को रेडी करके स्कूल भेज देंगे। और कल रात बहुत बारिश होने के कारण बाहर बहुत गंदे हो गए हैं, तो उसे भी मुझे साफ़ करना है, तो उसे भी हम साफ़ कर लेंगे। पहले रयान को भेजने के बाद ही हम पूरे साफ़ सफाई करेंगे बाहर के। और मुझे भी दवा खाना होता है, तो इसलिए मैं टाइम में नाश्ता खा लेती हूँ, ताकि मुझे दवा खाने के लिए लेट ना हो। सभी लोग नाश्ता खाकर अपने काम में चले गए हैं और रयान भी स्कूल। तो अब है टाइम हमारा साफ़ सफाई का। तो यहाँ हम साफ़ सफाई कर लेंगे। मुझे यहाँ पानी डालकर ही इस तरह से साफ़ सफाई करना होगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि घर पर कोई ना हो तो ही मैं अच्छी तरह से घर की साफ़ सफाई कर सकती हूँ? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं झाड़ू से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। गर्मियों का समय है, तो शाम के वक्त हम यहीं बैठकर पूरे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जगह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे का घर भी है, तो इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और मेरे पूरे परिवार, मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर नहीं की है, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी रहता है, यानी रयान के पापा। रयान, मैं और मेरा छोटा भाई, हम चारों एक साथ ही रहते हैं। तो देखिए, ये हमारा छोटा भाई जो हमारे साथ ही रहता है, और वो अभी जिम से लौटा है। और जो भी इसे देखते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि मुझसे बड़े हैं, पर ये हमसे छोटे हैं। बाहर का तो हमारा काम हो चुका है साफ़ सफाई का, तो अब हमारा काम है सब्जी और चावल बनाना। तो मेरे पूरे परिवार अब चलते हैं मेरे छोटे से गार्डन में, क्योंकि लंच में जो सब्जी हम बनाएंगे वो हमारे छोटे से गार्डन से तोड़कर हम बनाएंगे। तो देखिए मेरे पूरे परिवार, ये छोटा सा हमारा कद्दू का पेड़, बारिश ज़्यादा होने के कारण से पत्ते देखिए किस तरह से हो गए हैं। फल तो होने से रहा, तो पत्ते ही हम तोड़कर खा लेंगे। तो आज हम लंच में यही पत्ता तोड़कर हम खाएंगे बनाकर। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह कद्दू के पत्ते का सब्जी खाना बहुत मुझे पसंद है, और फूल के पकौड़े तो और भी मुझे खाने को अच्छा लगता है। तो अपने गार्डन में लगाने का यही फ़ायदा है कि आपको फ्रेश और अच्छा खाने को मिलता है। और मेरे पूरे परिवार, देखिए कल रात बारिश होने के कारण से किस तरह से पानी जम गए हैं चारों तरफ। जब भी बारिश होते हैं तो इसी तरह से पानी जम जाते हैं, और हमें आना जाना के लिए बहुत तकलीफ हो जाते हैं, क्योंकि घर के आगे ही इस तरह से पानी जम जाते हैं। और बारिश इतने हो रहे हैं कि कुछ भी गार्डन में लगाए तो वो अच्छी तरह से होते नहीं हैं। तो आज हम पूरे पत्ते तोड़ेंगे और लंच में बनाएंगे। और रयान के लिए हम बना देंगे आलू फ्राई, और हम खाएंगे ये साग। रयान तो इतना पसंद करते नहीं, पर उसके लिए हम एक अंडे और आलू फ्राई कर देंगे, ताकि वो स्कूल से आए और खा ले। हमने बताए थे ना कि आगे हमारा बहुत पानी जम जाते हैं, तो देखिए चारों तरफ कितने पानी जम गए हैं। सभी कद्दू के पत्ते को मैंने तोड़ दिए हैं, तो अब हमारा काम है कद्दू के पत्ते को साफ़ करना। तो चलिए मेरे पूरे परिवार, कद्दू के पत्ते को साफ़ कर लेते हैं। कद्दू के पत्ते को तो तोड़ लिए हैं, पर अब इसे साफ़ भी करना है। इसको साफ़ करने के लिए बहुत वक्त लगते हैं, तो यहाँ मैंने पेपर बिछा लिए, इसके ऊपर ही हम इसे साफ़ करेंगे। सच कहूँ, पत्ते को तोड़ना तो बहुत आसान लगा है मुझे, पर इसे साफ़ करने के लिए बहुत वक्त लग जाते हैं। तो अब हम इसे जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। दाल तो मैंने सुबह ही बना ली है, तो अभी मुझे बनाना है यह सब्जी और चावल। रयान के आने से पहले ही मुझे ये सब बना कर रखना है, ताकि उसे मैं लेने जाऊँ।
वैसे तो रयान 1 बजे स्कूल से आ जाते हैं और रयान के पापा 2 बजे। तो देखिए हम इस तरह से इसे साफ़ करते हैं। अगर आप इस तरह से साफ़ करोगे तो जब आप इसे बनाकर खाओगे तो मुंह में नहीं लगते। तो चलिए अब हम जल्दी से इसे साफ़ कर लेते हैं। सब्जी और चावल बनाने के बाद मुझे नहाने भी जाना है, तो अब हम जल्दी से सब्जी और चावल बना लेंगे ताकि हम बनाने के बाद नहाने जा सके। तो यहाँ हमारा सब्जी और चावल हो चुका है, तब हम सब्जी को दूसरे बर्तन में खाली कर देंगे ताकि हम कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे। ऐसा करने से यह होता है कि आपका बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अब हम इसे खाली कर लेंगे और कढ़ाई को धोकर रख देंगे। दाल चावल और सब्जी तो हमारा हो चुका है, तो अब हम लेने जाएंगे पानी। और मेरे पूरे परिवार, मैंने आपको कहा था कि हमारा पानी का सप्लाई तो है पर पानी साफ़ नहीं आते, तो मैं बता दूं कि पानी हमारा अभी अच्छे आते हैं, तो हम यहीं से भर कर लेकर जाएंगे। पहले हम पानी को इस तरह से भर के रखते हैं और इसे अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद ही फिल्टर में डालते हैं ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि बारिश का वक्त भी है तो हमें इसे इस तरह से भरना है और पानी बॉईल करते हुए इसे इस्तेमाल करना है। सारा काम हमारा हो चुका है और पानी भरने का भी काम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम जाएंगे नहाने। तो मेरे पूरे परिवार, मैं यही समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।